गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे शिल्प और उद्योग। शिल्प उद्योग क्या होता है? भारतीय जो बुनकर थे, भारतीय जो शिल्पकार थे, वो पूरे विश्व में किस प्रकार अपनी प्रतिभा दे चुके थे और किस प्रकार उनकी बुनी हुई कपड़े और सूती वस्त्र पूरे यूरोप और विश्व को जा रहे हैं, कितने उसकी मांग थी, कितने महत्वपूर्ण थे, कितने उसकी अच्छी कीमत मिलती थी, इस सारे बातों को हम लोगों ने जाना। उसके बाद जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारे शिल्प उद्योग को किस प्रकार विनाश कर दिया, किस प्रकार अपने यहाँ उसको उद्योग को स्थापित कर हमारे उद्योग को किस तरह के कड़े नियम बनाकर, किस तरह के कानून बनाकर उस उद्योग को, हमारे शिल्प उद्योग को ध्वस्त कर दिया, इन सारी बातों को हम लोग जाना। मजदूरों की स्थिति क्या हो गई, हमारे भारत में उद्योगों की स्थापना सबसे पहले कब हुई, कहाँ हुई, इन सारी बातों को हम लोगों ने जाना है, समझा है। अब हम लोग का अगला है प्रश्नोत्तर। तो इसमें आप लोगों का पहला प्रश्नोत्तर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो पहला प्रश्नोत्तर इसमें है, पहला इसमें दे रहा है आपको 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग निम्न से कौन था। इसका आंसर होगा क वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग। दूसरा, किताब आप लोग लेके बैठिएगा, ज्यादा आपको समझ में आएगा। दूसरा है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI की स्थापना कब हुई। इसका आंसर होगा 1927। तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों को, जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था। तो जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र था गांव बंगाल में, चौथा क्वेश्चन है, सरकार 1918 में अंग्रेजी सरकार ने किस उद्देश्य से मजदूरों के लिए नियम बनाए। तो इसका होगा क मजदूरों की सुधार के लिए। पांचवा क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो ये होगा 1920 में। ये सारी टॉपिके आपको आगे चैप्टर में भी पढ़नी होंगी, आगे क्लास में मिलेगी, इसलिए आपको इसको ध्यान से याद कीजिएगा तो आगे के क्लास में पढ़ने में आपको काफी सहूलियत होगी, काफी आसानी होगी। क्यों? क्योंकि इसी का ऑल इसी चैप्टर को हम लोग आगे के क्वेश्चन में भी पढ़ेंगे, आगे के क्लास में भी उनको भी पढ़ना है। अब है आप लोगों का मिलान करने वाला इधर क है, ये है मिलान करने वाला, इसको मैं मिला दूंगा आप लोग उसको किताब से देख के लिए। पहला है जूट उद्योग, तो जूट उद्योग का हो जाएगा ख बंगाल, यानी हो जाएगा ख है आप लोगों का उन्हीं वस्त्र उद्योग, इसका होगा ख कश्मीर, इसका हो जाएगा ख। ग है आप लोगों का क्वेश्चन जामदानी बुनाई, इसका होगा क लखनऊ, लखनऊ। ख नंबर क्वेश्चन है लौह उद्योग, लौह उद्योग का होगा अंग जमशेदपुर, अंग और अंग है नील बगान उद्योग, इसका होगा ध चंपारण। ये आप लोग का मिलान करने वाला हो गया, ये आपके क्या क्वेश्चन हो गए। अब उसके बाद है आओ विचार करें, तो ये आप लोगों को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में अगला अध्याय जो है अध्याय 6 उसको मैं पढ़ेंगे, अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष 1857 का विद्रोह, ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी में लिख सकते हैं, नोटबुक में लिख सकते हैं। और अगर आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर आओ विचार कर लघु तेले क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों का किताब में मिल जाता है तो आप लोग नोटबुक में लिख सकते हैं, स्कूल खुलने पर वो जाँच किया जाएगा, इसको आप लोग याद भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, धन्यवाद।